स्वागत है आपका पूनम्स तड़का किचन में। आज हम बनाएंगे उबले हुए आलू से बिल्कुल हलवाई जैसी सब्जी, जिसे खाने के बाद आप दोबारा कभी दूसरे तरीके से सब्जी नहीं बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी सब्जी। हमारे मसाले इसमें कूटेंगे ओखली में। अब हम डालेंगे इसमें हमारा प्याज, डाल देंगे हम इसमें। लहसुन डाल देंगे हम इसमें। अब हम इसे कूटेंगे, हम इसका दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। मिक्सर में तो बिल्कुल पिस जाता है वो, बिल्कुल वो अलग टेस्ट देता है। हम इसे बिल्कुल मोटा मोटा सा पीस लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी डालेंगे हम इसमें, लाल मिर्च डाल दी है हमने, और हम डालेंगे अपना धनिया पाउडर। अब हम इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। हम आलू छील के रख लेंगे, इनको रेडी कर लेंगे हम। ये कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल, हमने सरसों का तेल लिया है। अब हम जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जीरा, डाल देंगे हम हमारा इसमें जीरा। जब हमारा भून के रेडी हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने के बाद जब ये थोड़ा सा भुन जाएगी हमारी हरी मिर्ची, तब हम इसमें अब हमारे मसाले जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। जब तक कि ये तेल छोड़ देगा बिल्कुल, तब तक हम इसको पकाएंगे। देखिए अब ये बिल्कुल तेल छोड़ चुका है, बिल्कुल रेडी हो गया है मसाला। हमारा तेल छोड़ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, हम हमारे इसमें ऐड कर देंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब ऐड करेंगे नमक, ऐड करेंगे हम इसमें, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसे ढक देंगे। 5 से 10 मिनट तक के हम इसको ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। बीच बीच में हम इसको एक दो बार चेक करेंगे कि हमारे टमाटर गले हैं या नहीं। देखेंगे अभी हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा ऐसे चमचे से प्रेस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, अगर जो भी कोई बाकी होगा वो भी हम अच्छे से इसका पेस्ट सा बना लेंगे। जब ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, अभी देखिए अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू को हम ऐसे हाथ से फोड़ेंगे, हम इसे चाकू से या ऐसे काटेंगे नहीं, हम इसे ऐसे हाथ से टुकड़े टुकड़े करके तोड़ लेंगे इसको। अब हम इसमें हमारे आलू डाल देंगे। आलू डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसमें जो भी बड़े आलू हों, जो हमारा थोड़ा बड़ा आलू रह गए हों, उनको हम ऐसे तोड़ लेंगे चम्मच से। बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना हमें चाहिए। अगर आपको पतली सब्जी बनानी है तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, और अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है तो आप पानी नहीं भी डाल सकते हो। मुझे मीडियम मीडियम सा पानी पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मीडियम सा पानी डालूँगी, ना ज़्यादा ना ही कम। तो हम इसको अभी 5 से 10 मिनट पानी डालने के बाद हम इसको पकाएंगे, और उसके बाद हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। सब्जी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ सके। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, एंड मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।